अदानी के मसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार अदानी पर बहस नहीं चाहती। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार नहीं, मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि संसद में अदानी पर चर्चा ना हो जाए। मैं 2-3 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस पर चर्चा हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। राहुल गांधी ने कहा कि जो लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्चर किया गया है, उसके बारे में चर्चा हो और अदानी के पीछे कौन सी शक्ति है वो भी देश को पता चल जाए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद शेयरों में गिरावट के बीच अदानी समूह को यूपी सरकार से भी झटका लगा है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने कंपनी का स्मार्ट प्रीपेड लगाने का टेंडर निरस्त कर दिया है। इसकी लागत लगभग 5,400 करोड़ रुपए है। इस टेंडर की दर अनुमानित लागत से करीब 48-65% अधिक थी, जिसकी वजह से इसका शुरू से ही विरोध हो रहा था। अब पश्चिमांचल, पूर्वांचल, दक्षिणांचल और डिस्कॉम के टेंडर पर भी नजरें टिकी हुई है। दक्षिणांचल में भी अदानी समूह का टेंडर है। दिल्ली के मेयर का चुनाव सोमवार को भी नहीं हो पाया और नगर निगम का सदन स्थगित हो गया। एमसीडी की बैठक शुरू होने पर प्रोटेम स्पीकर सत्या शर्मा ने ऐलान किया कि एमसीडी मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी सदस्यों के चुनाव में मनोनीत पार्षद भी वोट करेंगे, जिस पर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जताई। वहीं बीजेपी की तरफ से नारे लगाए जाने लगे। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी आज भी मेयर चुनाव नहीं होने देगी। हंगामे के बाद दोनों ओर से वार पलटवार का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का दावा है कि वो मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे ताकि कोर्ट की निगरानी में चुनाव हो सके। दिल्ली नगर निगम का मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव तीसरी बार टलने के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि एमसीडी मेयर चुनाव में बीजेपी ने घिनौना खेल खेला है। इससे साफ हो गया है कि बीजेपी ना तो संविधान को मानती है और ना ही कानून को। वो सिर्फ गुंडागर्दी से नगर निगम को चलाना चाहती है। सिसोदिया ने कहा कि संविधान साफ कहता है कि मनोनीत पार्षदों के पास वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। डीएमसी एक्ट में भी साफ लिखा है कि मनोनीत पार्षदों के पास वोटिंग का हक नहीं होगा। बावजूद इसके बीजेपी के पीठासीन अधिकारी ने कहा है कि मेयर के चुनाव में ये मनोनीत पार्षद वोट डालेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। रामचरितमानस की चौपाई के बहाने जाति का मुद्दा उठाने वाले समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मोहन भागवत ने यह बयान भले ही मजबूरी में दिया, लेकिन ये सच्चाई है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत के इस बयान के बाद रामचरितमानस जैसे ग्रंथों की समीक्षा होनी चाहिए और इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। संत रविदास की जयंती के मौके पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा था कि जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है। हालांकि बाद में आरएसएस की ओर से कहा गया कि भागवत के बयान में पंडित का अर्थ विद्वान से था। जेडीयू में बागी रुख अपनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करारा वार किया है। नीतीश कुमार ने कहा कि हम उस आदमी को कितना बढ़ाएं, आप सब जानते हैं कि उनको विधायक बनाया, पार्टी का लीडर बनाया, उसके बाद भी वो भाग गए, उसके बाद फिर वापस आए तो राज्यसभा का सांसद बनाया, तीसरी बार फिर आ गए। हम लगातार कह रहे हैं कि बात करिए, लेकिन वो बात नहीं कर रहे। पिछले 2 महीने में पता नहीं क्या हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा लगातार पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, साथ ही इशारों में सीएम नीतीश कुमार पर भी हमला बोल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने समर्थक नेताओं की 19-20 फरवरी को बैठक भी बुलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इसके साथ उन्होंने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का अनावरण भी किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यही HAL है जिसे बहाना बनाकर हमारी सरकार पर तरह तरह के झूठे आरोप लगाए गए। यही HAL है जिसका नाम लेकर लोगों को भड़काने की साजिशें रची गई, लोगों को उकसाया गया, लेकिन झूठ कितना ही बड़ा क्यों न हो, सच के आगे एक दिन जरूर हारता है। त्रिपुरा में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों पर जोरदार हमला बोला। दक्षिणी त्रिपुरा जिले में रैली के दौरान अमित शाह ने कहा कि दोनों पार्टियों ने त्रिपुरा में 50 साल तक शासन किया, लेकिन राज्य का विकास नहीं हो सका। अमित शाह ने कहा कि वामपंथियों ने आपको अंधकार दिया था, हमने आपको अधिकार दिया है। हमने विनाश की जगह विकास और विवाद की जगह विश्वास दिया है। अब त्रिपुरा में सुरक्षा का वातावरण सुनिश्चित हो रहा है। अमित शाह ने अपील की कि प्रदेश की विकास की रफ्तार बनाए रखने के लिए एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनाए। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सांसद पत्नी परनीत कौर ने कांग्रेस डिसिप्लिनरी कमेटी को अपना जवाब भेज दिया है। उन्होंने लिखा है कि पार्टी छोड़ने वाले मुझसे सवाल कर रहे हैं, पार्टी एक्शन लेने के लिए पूरी तरह से आजाद है।
दो दिन पहले ही उन्हें कांग्रेस की डिसिप्लिनरी कमेटी की तरफ से कारण बताओ नोटिस भेजा गया था, जिस पर तारिक अनवर के दस्तखत थे। परनीत कौर ने तारिक अनवर पर तंज करते हुए कहा कि 1999 में सोनिया गांधी को विदेशी कहकर पार्टी छोड़ने वाले आज डिसिप्लिनरी मैटर पर उनसे सवाल पूछ रहे हैं। तुर्की और सीरिया में भूकंप ने भयावह तबाही मचा दी है। तुर्की में सोमवार सुबह 7.8 तीव्रता के साथ भूकंप आया, जिसके बाद दोपहर में 7.6 तीव्रता के साथ एक बार फिर भूकंप आया। शाम को तीसरी बार भूकंप के झटके लगे, जिसकी तीव्रता 6 रही। तुर्की की डिजास्टर एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक भूकंप की वजह से अभी तक 2300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 5000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। भूकंप की वजह से हुई तबाही को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोगान ने एक आपात बैठक भी की और कहा कि भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी। गृह मंत्रालय ने बीजेपी के 3 और नेताओं को वीआईपी सुरक्षा देने का फैसला किया है, जिनमें नलिन कोहली, ऋतुराज सिन्हा और अभय गिरी शामिल हैं। ये तीनों नेता भारी सुरक्षा बलों के घेरे में रहेंगे। बताया जा रहा है कि नागालैंड चुनाव के चलते ये सुरक्षा दी गई है। नलिन कोहली बीजेपी नागालैंड के प्रभारी हैं। इनके साथ अब CISF के कमांडो तैनात रहेंगे। टर्की और सीरिया में आए शक्तिशाली भूकंप में अब तक 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भूकंप के झटकों से बड़ी तबाही हुई है, बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है, हजारों ऊंची इमारतें जमींदोज हो गई है। अभी भी हजारों की संख्या में लोग मलबे के नीचे दबे बताए जा रहे हैं। जिंदगी को बचाने के लिए वहाँ बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। भूकंप के लिहाज से फॉल्ट लाइन पर मौजूद टर्की से कई डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत में इस इमारत में सोए लोग उठ भी नहीं पाए थे कि अचानक धरती कांपी और इमारतें धूल में मिल गई। अब वहां पीड़ितों का रो रो कर बुरा हाल है। ड्रोन से ली गई तस्वीरें तुर्की से भूकंप से हुई तबाही की गवाही दे रही है। टर्की के साथ लेबनान, सीरिया, साइप्रस, इसराइल और फिलिस्तीन तक इस विनाशकारी भूकंप के झटके महसूस किए गए। तुर्की और सीरिया में अभी नुकसान का पूरी तरह अंदाजा लगाना मुश्किल है। दुनिया के कई देशों ने प्रभावित तुर्की और सीरिया को मदद भेजने का ऐलान किया है। संकट की इस घड़ी में भारत ने भी मदद भेजी है। अपनी रेस्क्यू टीम को चंद घंटे पहले ही गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से रवाना किया गया। NDRF की टीम तुर्की के लिए रवाना हो गई है। NDRF की टीम में डॉग स्क्वाड भी शामिल है, साथ ही मेडिकल सप्लाई, ड्रिल मशीनें और अन्य जरूरी उपकरण भी तुर्की भेजे गए हैं।